हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है वो दिन जिसके लिए हम लोग पुरी गए हुए थे, मतलब आज है दर्शन का दिन। आज हम लोग जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो ये मैंने जो है यूट्यूब से ही दूसरी क्लिप उठा करके अपने वीडियो में, व्लॉग में ऐड करी हुई है, आज सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने दर्शन किया था सुबह 4 बजे, 2 बजे रात में उठ करके सब लोग अपना नहा वहा के सब लोग एकदम अच्छे से तैयार होकर के 4 बजे तक हम लोग होटल से निकल चुके थे और हम लोग 4:30 आई थिंक 5 बजे तक जो है मंदिर पहुंच गए थे। तो मंदिर का रास्ता कुछ ऐसा है, ये ईस्ट डोर है यहाँ पे, मतलब 2-3-4 द्वार हैं। तो हम लोग ईस्ट द्वार से गए थे, सिंह द्वार से, हम लोग जो मेन वहाँ का द्वार है वहाँ से गए थे। वैसे लोकल वालों के लिए वहाँ पे एक अलग डोर होता है जहाँ से वो अपना आईडी कार्ड दिखा करके मंदिर में ईजिली जा सकते हैं। और जो हम लोगों के लिए जो दूर से आए होते हैं, टूरिस्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए एक अलग होता है। ये है मंदिर का मेन द्वार जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। और यहाँ पर आपने अभी जगन्नाथ जी की वो देखी थी ना मूर्ति एकदम छोटी सी, और वो देखिए ऊपर वो पताका दिख रहा है और वो गोल सा चक्र दिख रहा है। तो ये है इनका मेन डोर, यहाँ से एंटर होते हुए फिर अंदर आपको मंदिर मिलती है। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और उसके बाद से शाम को 4 बजे के करीब फिर हम लोग निकल चुके थे होटल से बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। जा रहे थे हम लोग बीच पे क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने खाया पिया था और उसके बाद से रेस्ट किया। पूरा दिन हम लोग होटल में थे तो ये हुआ कि चलो अब शाम को थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करते हैं और निकलते हैं बीच की तरफ। तो बीच की तरफ फिर हम लोग जो है एंजॉय करने के लिए निकल चुके थे। हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पे। बीच पे आज हम लोग आए थे शाम को, इससे पहले जब आए थे तो वो आए थे सुबह में, जो कि शॉप सारी बंद थी, एक आधा दो शॉप खुली हुई थी। अभी शाम का टाइम है तो अभी सारी शॉप्स जो है ओपन हो रही थी। भाई सब वहाँ से अंदर आने में ना जो स्मेल आ रही थी, ओ गॉड, बस हम लोग एक्चुअली वेजिटेरियन है तो हम लोग को वो स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और यहाँ पर हम लोगों ने चेयर ली और चेयर ले करके यहाँ पर सी व्यू इंजॉय करने लगे, मतलब देखने में इतना मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हाँ शाम के टाइम पे तो काफ़ी लोग आए हुए थे, 4-5 बज रहा था तो hey guys, मज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है थर्ड डे इन पुरी और यहाँ पे देखो आज की जो है व्लॉग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बीच से स्टार्ट हुआ है। उधर पे मम्मी पापा लोग बैठे हुए हैं और अब मैं आई हूँ बीच में और अभी लगभग शाम के 4 बज रहा है क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे ना दर्शन करने के लिए, वहाँ से आए थक गए और उसके बाद से फिर सब लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उठे हैं तो अब यहाँ पे हम लोग आए हैं बीच में इंजॉय करने के लिए। ये देखो ये जा रहे हैं, आने गया है। हाँ हाँ, एक से तो वीडियो बना रहे। यहाँ पे भाई कितना भी टाइम निकल जाए अच्छा ही लगता है, भीड़ देखो। इस बार हम लोग दूसरी जगह पे रुके हुए हैं, दूसरी जगह पे आए हुए हैं, सारा एक ही जैसा ही लगता है। आई थिंक वहाँ पे भेलपुरी मिल रही है। चलो चलते हैं बीच पे, आइए। ये देखो पानी आ रहा है, कहाँ तक यहाँ पे लहर से ज़्यादा लग रही है। फुटप्रिंट मेरे बढ़िया।
पे है सर, तेज है ना, पैर का ले रहा है। आइए और आगे जाइए, इधर देखो, उधर देखो, इनको देख लो, इनको इनको देख लो, ये देख लो, यहाँ पे उधर देख लो। ले आइए, कितनी बड़ी बड़ी लहर आ रही है। ओ बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया, वहां तक चला गया, वहां तक चला गया, ये आ गया घुटनों तक, ये बहुत तेज आ रहा है। यहाँ पे आ गई है प्रिशु, खड़िए जाओ प्रिशु, प्रिशु खड़िए बेटू, करिए 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 करिए, ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है, ट्रेन की है कि किसकी है, आ गई, और ये बाप रे बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, ये और ये उसका पूरा पैर के भीग गया, अरे बड़ा ऊपर कर दिए थे, वो ऊपर तक भीग गया, अरे नीचे से रेत कैसे खिसक रही है, नीचे से रेत कैसे खिसक रही है, गड्ढा हो जा रहा है तुरंत ही। वो देखो वहां पे बोट दिख रही है, बहुत छोटी सी, दो चार लोग दिख रहे हैं वहां पे, दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे हैं, बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको, वो देखिए दिख रहा है ना वो भाई, ये देखो वहाँ पे कितनी दूर वो लोग गए, कितनी दूर है, और एक बोट उधर दिख रही है, वो देखो वो, बाप रे, ले भैया लोग आगे गए हैं, ये वो देखो इस बार तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो वहाँ तक, अरे आराम से गई चप्पल, रहने दीजिए, आ जाएगी, आ जाएगी चप्पल, आ जाएगी, ये रही ना आपकी, ये इधर है, ये रही, ये रही पैर से निकल के इनके चप्पल ही चली गई जाइए, बढ़िया तो है नहीं वो यहाँ यहाँ पे लहर बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा तेज है, कल इतनी ज्यादा नहीं थी, ये वाली देखो, ये वाली देखो, ये बहुत तेज है, ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी, इधर मम्मी जा रही है, उनके घुटने घुटने तक साड़ी भीग गई है, सही लग रहा है, और इधर सूरज भगवान जी दिख रहे हैं, देखो ये देखिए मिट्टी देखिए मैंने कैसे इकट्ठा कर रखी है कैसी इकट्ठी हो रखी है, अभी खुद ही धुल जाएगा, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, खुद ही धुल जाएगा, इसमें सब साफ हो जाएगा, ये देखिए ये बहुत तेज है, पता नहीं, नहीं मालूम, भैया तो उधर गया है, पीछे पीछे कहीं चले गए, और ये पता नहीं कहाँ गया, नहीं मालूम इनका कहाँ चले गए, वो भेलपूरी बनवा रहे हैं शायद, शायद भेलपूरी है, भैया और भाभी शायद पीछे गए हैं काफ़ी, हाँ
आप आइए, यहाँ का आपको लोकल भेलपूरी दिखाते हैं कि यहाँ की भेलपूरी कैसी होती है, खा के भी बताते हैं कैसा होता है। आ जाओ दिखाते हैं आपको। मम्मी पापा लोग बैठे हुए हैं। दिखाइए, भेलपूरी है क्या? भेलपूरी है ना ये? कैसी है वो? अच्छी है। अच्छी है क्या? मिस्टी सो रही है? दिखाइए खाती कैसी है। खाते रहो, बनाते रहो, टेस्टी है। बट इसमें कुछ अलग टेस्ट है, कुछ अलग प्राइस। मतलब यहाँ पे जितनी डिशेज मैंने इवन मैगी में भी खाई है तो यही टेस्ट है। इनका पता है कौन सा अलग सा मसाला इनका डालते हैं, उसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो वो कुछ वही वाला मसाला शायद इसमें भी पड़ा हुआ है कुछ अलग सा। ये पूरा गीला हो गया ऊपर पे जो चेयर लगी है, जो ये सब बैठे हैं ना, इसका भाई कॉस्ट आती है 50। ये कितना लिया ये? 50 पर आवर पे। ये है 150 रुपए में एक घंटा दो चेयर। 150 रुपए में एक घंटा दो चेयर? वो तो 50 का चार चेयर। और जहाँ पे हम लोग कल बैठे थे वहाँ पे 50 रुपया था दो चेयर का एक घंटा। मतलब यहाँ पे बैठने का भी चार्ज भाई। अगर आप रेत पे बैठ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चेयर वगैरह कुछ लेकर के बैठ रहे हैं, जैसे कि पीछे लगी हुई है सब लोग बैठे हुए हैं, उसका है 50 रुपया। और बाकी यहाँ पे तो मिल रही हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सब में एक ही फ्लेवर भी आ रहा है। तो अपनी अपनी पसंद होती है ना सबकी। बाकी उधर वहाँ पे शॉप वगैरह भी, उधर शॉप वगैरह भी है, उधर झूले वगैरह भी हैं, कुछ है। उधर लोग ये देखिए सूरज अस्त हो रहे हैं, सूरज अस्त, हम सब मस्त। इनको बस मिट्टी मिल जाती है कहीं भी, ये शुरू हो जाती हैं। ओ हेलो प्रिशा, क्या हो रहा है ये? इधर देखो ऋषु, कोई महान काम नहीं कर रही। इधर देखो, ये देखो चिप्स दिया था, चिप्स में रेत। ये संतरे का छिलका कहाँ से पा गई है? स्टैचू क्या? हाँ, किसी ने इनको स्टैचू कर दिया है। चिप्स कहाँ आ गया? चिप्स मुंह में गया, संतरे का छिलका उठा के उसमें रेत भर के खड़ी हुई थी। देखो, देख ले जरा सा, देख ले जरा सा, मामी को देख ले, देख ले जरा, नजरे नजरे देखो इनकी, स्टैचू है, नजरे देखो, तिरछी नजर कैसे देख रही है, देख। ऋषु मुंह बना, मुंह बना दो, मुंह बना के दिखा दो, मुंह बना दो, मुंह पे फेस पे देखो कितना बालू लगाई है, फेस पे देख लो। ऋषु मुंह बना दो, ई करके बनाओ, नहीं बना रही है। ये देखो अनिका भी जो है क्या खा रही है, ये भी भेलपूरी खा रही है ना, ये भी भेलपूरी। क्या हो फिर बनवा लिया है यहाँ पे? ये इसका बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे फोटो खिंचाए, लेकिन मैं फोटो ले रही हूँ, सेल्फी तो उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो में बढ़िया दिख रहा है, सन दिख रहा है और सन की परछाई देखो। इधर देखिए ये कहाँ, ये नहीं टिक रहे, इनको बड़ा मजा आ रहा है जिस पे। इधर आप यहाँ, पैंट पूरी भीगी हुई है इनकी आगे पीछे सारी, भागी जा रही है। मजा आ रहा है, मजा नहीं प्रिशु, जाना नहीं बेटा, जाना नहीं। वो देखिए उधर पे चेयर लग रही है पूरी, कितनी लाइन से सारी चेयर लगी हुई है, वहाँ पे लोग देखने वाले लोग बैठे हुए हैं।
वहाँ पे बोटिंग के लिए बोट वगैरह भी रखी हुई है उधर, वो उधर देखिए। ये तो सबसे अच्छा व्यू यही दिख रहा है, सूरज है और उनकी परछाई समुद्र में दिख रही है, कितना सुंदर सा व्यू है। सेल्फी नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही अच्छी। ये कहाँ से पा गए ने? ये कहाँ? खेलो खेलो खेलो, इधर 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 इधर, भागो 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 भागो, अब ये उठा के लाएंगे। हाँ फेंक दो, फेंको फेंको फेंको, विशुदा ले लो, आने ले लो, अनिका को भी उतार दीजिए। कौन सा संख है ये? पूजा किसकी संग, कौन से संख की होती है? पजेगा, पूजा के लिए। ये पानी वाला लेगा ना, पजनी वाला लेगा, पानी वाला भी होता है, मुंह बंद वाले, पानी देने के लिए, पानी देने के लिए ना। ये देखो।